एक बार जोरदार ताले हो जाए एक बार मनोज भाई के लिए। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मेहनत को राहें जी, मेहनत को राहें और मंजिल को आसमान रखते हैं, अपने अभिनय से अदाकारी को जवान रखते हैं। वाह, अभिनय, अभिनय के गुरु भी जिसे अपना गुरु माने, यादगार है भीखू मात्रे जो अलग अंदाजे बयान रखते। क्या बात है, पता है। फिल्म आ रही है बुधिया, जिसमें मनोज सर जो हैं ये कोच बने छोटे से बच्चे के। छोटा बच्चा बाजी, आपने न्यूज सुनी होगी। हाँ हाँ, बड़ा आया था छोटा सा बुधिया, वो भागता रहता भागता रहता। मैंने उसके बारे में सुना है, कहते पैदा होते ही हॉस्पिटल से भाग गया था। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। तो सर आप उसमें कोच बने हो, उसको दौड़ना सिखाते हो आप जी। आपको खुद को कितना भागना पड़ता भाई? देखो पहले से मैं भागता था जी, घर से भागा, अच्छा दिल्ली से भागा, अच्छा अब मन करता है बम्बई से भाग जाऊं। तो इतना भागना पड़ा आपको। तो भाई आपने कोच बनने का, आपका कोच का किरदार है जी, तो आपने खुद कोचिंग ली पहले? बहुत बार कोशिश की थी कोचिंग लेने की। अच्छा, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया जाता। एक्चुअली हाँ, ये मैंने सुना है कि आप NSD में जाने के बड़े इच्छुक थे आप। जी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन आपको हर बार रिजेक्ट कर दिया। ऐसा सुना है कि आपको भी रिजेक्ट किया है। मुझे 3 बार किया भाई। मेरे को 4 बार किया है। तो भाई इसका मतलब मैं ये समझूं, जो आदमी रिजेक्ट हो जाता है वो लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं आगे चल के? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, जब चौथी बार आपको रिजेक्ट किया NSD में, तो उससे पहले आपके दिमाग में आया था कि कभी ऐसे कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? कभी आपको ऐसा लगा था कि भागते भागते मनोज वाजपेयी आपके शो में आ जाए? मुझे भी नहीं लगा था। क्या बात है भाई, फिल्मों में आने के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया जी, उससे पहले की लाइफ कैसी थी आप? मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ जी, क्योंकि NSD में तो रिजेक्ट हो गए जी, जी। तो फिर फिल्मों में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? जी शेखर कपूर बैंडिट क्वीन बना रहे थे जी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार बॉम्बे से मैं किसी को नहीं लूँगा, अच्छा थिएटर के एक्टर लूँगा। ओके, तो थिएटर के एक्टर के लिए जब वो आए थे तो तिग्मांशु धूलिया उस समय जो है जी हमारी तरह से ही सड़कों की धूल चाट रहे थे जी, तो वो जो है कास्टिंग डायरेक्टर हो गए। अच्छा, तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शेखर कपूर आए हुए हैं, वो उनको कास्टिंग करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले तेरा फोटो देख के उन्होंने कहा कि ये कौन सा लड़का है, तो मैंने बताया कि ये थिएटर में काफ़ी एक्टिव है, तो उन्होंने कहा कि मिलना है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये बना रहा है मुझे। अच्छा, क्योंकि तो फिर यहाँ पे तो बरसाती का किराया देने के पैसे नहीं थे, शेखर कपूर को मिलने कैसे आ सकता है। अच्छा, तो खैर गया, तो उन्होंने शेखर कपूर ने इमीडिएटली मुझे फाइनल किया, उसके बाद से फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, क्या बात है। अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, हालांकि आप कोई भी किरदार करते हैं पूरा आप उसमें रम जाते हैं जी जी, लेकिन मैंने देखा है जैसे आपने बैंडिट क्वीन की बात की तो उसमें डाकू का किरदार किया था इन्होंने, उसके बाद में आपने सत्या में भिखू मात्रे का किरदार, अमर हो गया वो किरदार, कमाल था। लेकिन जब मैंने आपके ये किरदार देखे ना, मुझे लगा ही नहीं ये एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रियल लाइफ का कोई बदमाश उठा रहा है। तो भाई ये आप मतलब इस रोल के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी कि पहले बदमाशी वगैरह करते थे आप? ये क्या था कि लौंडे लपाड़े थे ना हमारे शहर में जी, वो कट्टे और चाकू लेके घुमा करते थे। अच्छा, कट्टा समझता ना? हाँ, मैं कट्टा, जिसमें एक आगे से गुड़ी डाल, हाँ, जो पीछे भी चल जाती कभी। हाँ, कई बार अपनी तरफ चल जाती है। अब लौंडों को देखता था तो जाते थे, सबके सब बोलते थे यार ये जो है ना भाई, इससे बच के रहना, तो पूरा शहर जानता था उनको। अच्छा, तो मन ही मन में ये ख्वाहिश थी कि यार अगर एक्टर नहीं बना तो ये। पर मुझे जितना मैं मनोज भाई को जानता हूँ, ये बड़े ही शाही हैं और बड़े ही भोली प्रवृत्ति के हैं, मुझे लगता है ऐसा लगता है कि ये गुंडे बन भी जाते ना तो ये रिक्वेस्ट करके कत्ल करते हैं, आपका कत्ल करना है अगर इजाजत हो तो एक आध गोली मार दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।